तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त में एक बार फिर से। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दुलकर सलमान की पैन इंडिया फिल्म यानी कि किंग ऑफ कोठा के शुरुआती दो दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में, और बात करेंगे कि किंग ऑफ कोठा फिल्म ने जो है अपने शुरुआती दो दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से जो है टोटल कितने रुपये की कमाई की, और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि किंग ऑफ कोठा जो कि एक बेसिकली मलयालम फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को जो है मलयालम के अलावा जो है पैन इंडिया लेवल पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा लैंग्वेज में जो है डब करके एक साथ जो है पांच भाषाओं में जो है रिलीज किया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि किंग ऑफ कोठा फिल्म का जो टोटल बजट है वो बताया गया है लगभग 25 करोड़ रुपये का। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर से जो है तकरीबन 2000 स्क्रीन के आसपास जो है रिलीज किया गया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं मलयालम इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार यानी कि दुलकर सलमान। और दोस्तों आपको बता दूं कि दुलकर सलमान की काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, और हिंदी बेल्ट में भी जो है अब दुलकर सलमान की जो है अच्छी खासी पकड़ बन चुकी है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस फिल्म को जो है हिंदी वर्जन के अंदर जो है काफ़ी लिमिटेड रिलीज मिला है, जिसके चलते यह फिल्म जो है हिंदी मार्केट के अंदर तो उतना कुछ खास बड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई है। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के ओवरऑल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन जो है ओवरऑल कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा जो है शानदार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक किंग ऑफ कोठा फिल्म ने जो है अपने पहले दिन ऑल इंडिया टोटल नेट कलेक्शन करा है लगभग 7 करोड़ 70 लाख रुपए का। वहीं इस फिल्म का ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 9 करोड़ रुपए का हुआ है, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओवरसीज यानी कि विदेशों में तकरीबन 11 करोड़ रुपए की जो है टोटल कमाई जो है की है। और दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म का पहले दिन का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ईयरली एस्टिमेट कलेक्शन निकल कर आ रहा है वो आ रहा है लगभग 20 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि किंग ऑफ कोठा फिल्म अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 20 करोड़ रुपए का कर चुकी है। वहीं बात करें दोस्तों इस फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दूँ कि यह फिल्म जो है अपने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर से जो है काफ़ी बढ़िया होल्ड बनाए हुए है, जहाँ पर यह फिल्म अपने दूसरे दिन लगभग जो है 6.5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और लगभग 7.5 करोड़ रुपये का जो है ग्रॉस कलेक्शन है। वहीं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 9 करोड़ रुपए की रेंज में जो है हो रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ यह फिल्म अपने दूसरे दिन जो है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग जो है यहां पर 16.5 करोड़ रुपए का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो है कर रही है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का शुरुआती दो दिनों का जो टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 36.5 करोड़ रुपए का। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म जो है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ही जो है बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हो जाएगी। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि अगर आपने किंग ऑफ कोठा फिल्म देखी तो आपको जो है यह फिल्म कैसी लगी हमें जो है अपने कमेंट से जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा और आपके इस चैनल यानी कि मूवीज भक्त को भी जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।